नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। एमपी अब तक की शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जयस को लगा है बड़ा झटका। महेंद्र कन्नौज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयस के संस्थापक नेता हैं महेंद्र कन्नौज। जयस के कई और नेता कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संस्थापक नेता महेंद्र कन्नौज जिस समय बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे उस समय की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां जयस के संस्थापक महेंद्र कन्नौज को बीजेपी ज्वाइन कराई गई इन बड़े नेताओं की मौजूदगी में। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, संस्थापक सदस्य ही अब बीजेपी के हो गए महेंद्र कन्नौज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को ये माना जा सकता है, और क्योंकि जयस जो है वो कांग्रेस का सहयोगी संगठन है, और जिस तरीके से जयस के संस्थापक और बड़े कद्दावर नेता जो है महेंद्र कन्नौज वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें मौजूद रहे, उनके साथ जो है वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महेंद्र कन्नौज के बारे में बता दूं, वह कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके बाद लगातार वो उस इलाके में सक्रिय थे और धार से लोकसभा का टिकट भी वो लगातार मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने राधेश्याम मुवेल को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन उस दौरान भी ये बातें चली थी कि राधेश्याम मुवेल का टिकट बदला जा सकता है और महेंद्र कन्नौज पर पार्टी दाव खेल सकती है, लेकिन राधेश्याम मुवेल को ही आखिर प्रत्याशी रखा गया था और जो कन्नौज है उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हालांकि उस बात का उन्होंने जिक्र आज के इस कार्यक्रम में नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम लोग आदिवासियों की हक की आवाज को लेकर लगातार सड़कों पर रहते हैं और आंदोलन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो आंदोलन के जरिए मनाई जाए, कुछ बातें सरकार से बात करने के बाद भी मानी जा सकती है। तो यही कारण है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जनता का प्रेम जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो पार्टी के साथ आकर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सदैव स्वागत है। और खासकर देखिए अनुसूचित जनजाति वर्ग इलाके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छे संकेत जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा बताया है। और कहा है कि देखिए आदिवासी वर्ग के लिए लगातार पार्टी काम करती है, और जिस तरीके से महेंद्र कन्नौज जो जयस के संस्थापक भी हैं और उस इलाके के बड़े आदिवासी नेता भी माने जाते हैं, और वो उनके विचारों का पार्टी विशेष ध्यान रखेगी। वो जिस तरीके की बात पार्टी के फोरम पर रखेंगे आदिवासी इलाके के। ठीक है शैलेंद्र, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आप बने रखिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ शैलेंद्र भदौरिया हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस का साथी संगठन है जयस और उसी के संस्थापक महेंद्र कन्नौजी आप शामिल हो गए हैं बीजेपी के साथ। अलग पहचान बना करके लगातार निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के नाते आपकी पहचान है, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि आप ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के आपने अपनी भूमिका तय की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, हम लोग आंदोलनकारी है, लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने यह निर्णय लिया। तो बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कल बीजेपी और आरएसएस की बैठक होगी भोपाल में। आरएसएस और बीजेपी की यह समन्वय बैठक कल भोपाल में होगी। संघ संगठन और सरकार के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर से लौटकर सीएम डॉक्टर यादव भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होगी। सरकार के कामकाज को लेकर रणनीति भी बनेगी।
तो बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक कल होने जा रही है। सरकार और संगठन के समन्वय पर बातचीत इसमें होगी। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी और आरएसएस के बीच? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर एक कल समन्वय बैठक होने वाली, जिसमें संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, वो कल खुद यहां इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सह संगठन महामंत्री जो शिव प्रकाश, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। कल जबलपुर में एक इन्वेस्टर समिट है, लेकिन उसके बीच भी समय निकालकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक बड़ी समन्वय बैठक सरकार के कामकाज के फीडबैक को लेकर यह बैठक होने जा रही है। करीब 7 महीने के बाद चुनाव होने के बाद से लगातार विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, अलग अलग जो उपचुनाव हुए उसके बाद यह बैठक निश्चित ही सबसे अहम होगी, क्योंकि इस बैठक में सरकार और संगठन के लोग बैठकर फीडबैक लेंगे, कामकाज को लेकर रिपोर्ट तैयार होगी कि सरकार किस ट्रैक पर चल रही है, क्या काम करना है। तो निश्चित ही कल की बैठक के मायने बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लेकर कुछ समय से दिक्कतें सामने आ रही है, कुछ विधायकों की नाराजगी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर राष्ट्र की नीति के तहत जो बीजेपी कोई एजेंडा तय करती है उस पे किस तरह मध्यप्रदेश सरकार को काम करना है, विकास के एजेंडे को किस तरह आगे ले जाना है, लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से कामकाज को बढ़ाना है, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में शामिल होंगे। तो कल की बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है और इसमें कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं, जिसको मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कुछ बातें आ रही थी सामने, उसको लेकर चर्चा होगी। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के बदलाव को लेकर जो तबादले होना निश्चित ही, उसको लेकर भी कि किस अफसर को कामकाज ठीक नहीं है हटाया जाए, तो सब मामलों पर कल एक बड़ी चर्चा होगी और कल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सुंदर कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने थाने में हुए निजी कार्यक्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और संबंधित थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस कमिश्नर ने मामले में कार्रवाई करते हुए टीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में सुंदरकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में कमिश्नर से मुलाकात की। कांग्रेस ने जब बीजेपी को थाने में सुंदरकांड की अनुमति मिल सकती है तो कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस हर थाने में धार्मिक आयोजन करेगी। कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें, सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो, सुंदरकांड करने की अनुमति। कांग्रेस की शिकायत पर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। कमिश्नर ने टीआई हेमंत श्रीवास्तव से आयोजन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। थाना स्तर पर उसमें एक अनुमति दी गई थी। समान तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोका थाने में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान थाने में सुंदरकांड का आयोजन चल रहा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को निजी आयोजन बताया था। कांग्रेस का कहना था कि थाने में निजी आयोजन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्रदेश में इसको लेकर सियासत गर्मा गई।
अब कांग्रेस ने भी सभी थानों में धार्मिक आयोजन करने की अनुमति मांगी, जिस पर भोपाल कमिश्नर ने कहा कि थाने में निजी आयोजन नहीं हो सकते हैं। संबंधित टीआई से कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट। वहीं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अचानक सीएम हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास पर दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। क्या वजह इस तरह अचानक पहुंचने की? लेकिन अभी मुलाकात की जानकारी मिल रही है कि दिग्विजय सिंह के साथ कुछ और कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र कितनी देर मुलाकात हुई, क्या जानकारी मुलाकात को लेकर? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, ये मुलाकात लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में हुई। दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे थे, उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ और नेता भी थे। बंद कमरे में ये मुलाकात हुई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। अभी तक हालांकि पुख्ता तौर पर ये बात सामने नहीं आई कि किन मुद्दों को लेकर बात हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सुंदरकांड को लेकर जो सियासत मध्य प्रदेश में चल रही है, या ये कहें कि जिस तरीके से विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उस पर जो है सरकार की तरफ से जो सड़कों पर विरोध किया जा रहा है, शायद उसी बात को लेकर वो मुलाकात करने गए थे और कहा शायद ये बात हुई होगी कि विपक्ष होने के नाते हम मुद्दे उठा रहे हैं और जनता के दरबार में हम लोग जा रहे हैं। यदि आपको जवाब देना है तो सतुलत जवाब दीजिए। इस तरीके से बार बार अगर टकराहट की स्थिति सड़कों पर नजर आएगी तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा। हालांकि अंदर खाने से ये खबर है, अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन दोनों के बीच 10 से 15 मिनट की जो बातचीत है वो सीएम हाउस में जरूर हुई है। जी शैलेंद्र भदौरिया, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वही जबलपुर में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर्स पर इस कॉन्क्लेव के जरिए फोकस किया जाएगा। एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट्स क्लस्टर पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। हम इस पर देवास में बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत की है। सांसद का कहना है कि यूपी के कानपुर से किसी ने फोन किया और अपशब्द बोलने के बाद जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोलंकी बोल रहे हैं, जैसे ही मैंने अपना नाम बताया उन्होंने मुझे गाली गलौज करना शुरू किया और कहा कि तुम राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की बहुत सारी वीडियो बना रहे हो। जब मैंने इस बात का विरोध किया कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोग भेजकर, अपनी टीम भेजकर तुम्हें मरवा दूंगा या फिर मैं स्वयं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब मैंने नाम जानना चाहा तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन काटने के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय देवास श्री संपत उपाध्याय जी को सूचना की। देवास सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी के यहाँ एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आने की बात हुई है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने धमकाया है और उसमें बात की है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में भी आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के जांच के लिए
सीएसपी देवास को लगाया गया है। उनके नेतृत्व में टीम जांच पड़ताल कर रही है कि कौन व्यक्ति है, किसने ये घटना की। खंडवा में फलस्तीन का झंडा लहराने वालों पर केस दर्ज हुआ है। मोगट रोड पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। चार लोगों पर ये केस दर्ज किया गया है। मोहर्रम के जुलूस में फलस्तीन का झंडा इन लोगों ने लहराया था। बजरंग दल ने इसकी शिकायत की और अब चार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर खंडवा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर चार लोगों ने फलस्तीन का झंडा लहराया था और अब उन्हीं चार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों द्वारा लहराया गया और जिसके कारण आसपास काफी आक्रोश की भी और स्थिति हुई और खंडवा शहर में कहीं ना कहीं उसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द की भी स्थिति बिगड़ने की पूरा अंदेशा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की और जांच के बाद ये तथ्य आया है कि चार युवक थे जो इन्होंने एक राय होके इस तरह का कृत्य किया था, जिस पर से थाना मोगट में धारा 196 एक और दो के भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है।